महाशिवरात्रि पर मंदिरों में गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। फफूंद नौरिया में शनिवार को महाशिवरात्रि पर शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाकर अभिषेक किया। इस दौरान शिव मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। शनिवार को देवों के देव महादेव की आराधना का पर्व महाशिवरात्रि पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। पाता चौराहे पर स्थित बाराधरी मंदिर समेत नगर फफूंद के सभी मंदिरों के द्वार सुबह 4 बजे खोल दिए गए। इससे पहले ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। शिव भक्तों ने भोलेनाथ का दर्शन किया और शिवलिंग पर जल दूध दही शहद घी चढ़ाकर अभिषेक किया। शिव जी को प्रिय भांग धतूरा बेलपत्र फूल चढ़ाए गए। धूप बत्ती और घी के दीपक जलाकर आरती उतारी गई। मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई। मंदिरों में विशेष रूप से पंडित देवी शंकर ने हवन पूजन किया। हवन पूजन के बाद बाबा भोलेनाथ का प्रसाद आदि भक्तों को वितरण किया। इस मौके पर आरएसएस के विभाग सह संपर्क अखिलेश कटिहार, कन्हैया लाल दिवाकर, प्रमोद गुप्ता, आईवरण राजपूत, आत्माराम, मीरा नायक, बाबा राम नरेश यादव आदि लोग मौजूद रहे। विमल पांडे की रिपोर्ट। अष्ट साहब जी, आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या प्रोग्राम रखा गया मंदिर में? इस मंदिर में हर साल की भांति इस साल भी हवन का आयोजन हुआ है और इसके साथ नगर से जो अपना ये मंदिर है इसमें नगर के और बाहर के देहात से लोग बाग आते हैं अपना जलाभिषेक करने। भारी संख्या में जलाभिषेक भी होता है। इसके तुरंत बाद अभी हवन समाप्त हुआ है, इसके तुरंत बाद दही और उसमें रस में मिला करके प्रसाद का वितरण हो रहा है और यही सब हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने सब लोगों ने मनाया। अच्छा सहयोग हमारे कन्हैयालाल जी, हमारे दरोगा जी, भाई साहब यादव जी, दिनेश जी यादव जी, इनका बहुत संख्या हमारा सहयोग रहता। हमारे हाँ अहबरन सिंह हमारे शिष्य हैं, इनका तो बहुत ही सम्मान हमारा हमारे प्रति रहता है सहयोग। और हमारे गुप्ता जी हैं, शाम टाइम कोई कीर्तन कीर्तन का प्रोग्राम फिलहाल कीर्तन का तो है हमारे बता रहे अभी बस आप बता रहे कि यहाँ कीर्तन का है लेकिन जागरण का नहीं है, रात्रि जागरण का नहीं का प्रोग्राम। हाँ दिन ही दिन का है। हाँ लगभग 10 बजे तक का कीर्तन रहेगा रात्रि।